बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हमने बनाई है बहुत मज़ेदार सी ये चिकन स्टिक बोटी। ये रमज़ान के लिए हमने स्पेशल बनाई है और इसको फ्रीज़ भी किया है रमज़ान के लिए। तो ये चिकन स्टिक बोटी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो ये सब देखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चले जी, आए बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत मज़ेदार सी चिकन फ्राई स्टिक बोटी। जी नाज़रीन, चिकन फ्राई स्टिक बोटी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम चिकन बोनलेस, ये 500 ग्राम है। नमक है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। ये दही है तकरीबन 2.5 टेबल स्पून, ये 2.5 से 3 कर लें। और ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें कुटी हुई हैं। और ये रेड चिली क्रश्ड। और ये है हमारे पास चाट मसाला। चलें जी, अब हम इसको मैरिनेट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन में डालेंगे दही। नमक, मिर्चें, पेस्ट और लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का क्रश्ड, रेड चिली, चाट मसाला पाउडर। अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए इसको रख देंगे मैरिनेट करके। फिर इसके बाद हम इसकी अगला प्रोसीजर करेंगे, वो आपको बताएंगे कि अगला प्रोसीजर क्या है। तो इसको कंप्लीट रेसिपी देखने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो ये अच्छी तरह हम इसको मिक्स करके तो रख देते हैं। जी नाज़रीन, ये हमारा चिकन जो है बिल्कुल मैरिनेट हो चुका है। अब हम बताते हैं कि आपने इसकी कोटिंग कैसे करनी है। तो ये हमारे पास हैं स्कीवर्स हैं, आप ले लें। ब्रेड क्रम्स हैं, ये ले लें। और एक अदद अंडा ले लें, उसको मिक्स करके रख लें। जी नाज़रीन, हमने ये अंडा भी ले लिया, इसको इसलिए बड़े डब्बे में किया है, एक अंडा भी लिया है ताकि ये अच्छे से मिक्स उसमें ये लग सके। तो स्कीवर लेंगे, उस पर तकरीबन हम 3-3 बोटियाँ लगाएंगे या 4-4, अपनी स्कीवर बड़ी छोटी हो सकती हैं। हम इस पे 3-3 बोटियाँ लगाएंगे ऐसे, और फिर इसको अच्छे से ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से कोट करेंगे, ऐसे करेंगे कि अच्छे से कोट हो जाए। अच्छे से ब्रेड क्रम्स के साथ इसको कोट करेंगे और फिर इसको ऐसे साइड पे रखते जाएंगे अच्छे से कोट करके। और जब फ्राई करेंगे तब इसको अंडे में डिप करके फ्राई करेंगे। अभी हम इसको रखते जाएंगे तो सारी हम ऐसे ही कर लेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, हमने ये सारी स्टिक्स जो है ना वो तैयार कर ली हैं। तो अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं रमज़ान मुबारक के लिए, तो आप इन्हें ऐसे ही सेम किसी जिप लॉक बैग में डाल के तो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब आप फ्रीज़र से निकालें, इसे अंडे की कोटिंग करें और फ्राई करें हल्की आंच पे, तो जी ये आप रमज़ान स्पेशल जो है ना चिकन स्टिक फ्राई बोटी आपकी तैयार कर सकते हैं फटोफट, यम्मी सी। और जब आप इफ्तारी से तकरीबन आधा घंटा पहले इसको निकालें और इसको फ्राई करें तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो ज़रूर ऐसे कीजिएगा। चलें जी, अब हम जो फ्राई करें वो आपको फ्राई करके दिखाते हैं कि कैसे करना है। जी नाज़रीन, हमने पैन में ऑयल गरम कर लिया है। जब ऑयल हमारा गरम हो जाएगा तो हम एक स्टिक उठाएंगे और फिर उसको अंडे में डिप करेंगे ऐसे। ये अंडा है, इसमें ऐसे डिप करेंगे कि अच्छे से डिप हो जाए और इसको फ्राई होने के लिए डाल देंगे। सारी ऐसे ही डाल देंगे हम। ये बहुत मज़ेदार बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम सारी डाल के फिर इसको फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए जी, अब हम इसकी साइड चेंज कर लेते हैं। देखें जी, तकरीबन 4 मैंने डाली हैं। ये अभी पक रही है, इसको छेड़ना नहीं जब तक ये इसकी एक साइड सही तरह पक ना जाए, इसको छेड़ेंगे नहीं वरना ये बोटी उतर भी सकती है, इतनी ये सॉफ्ट हो चुकी होती है। जी नाज़रीन, ये जो है ना ये पक के तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं।
जो बाद में डाली हैं उसको थोड़ा टाइम देंगे, जो पहले हमने डाली हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। मैंने ये बिल्कुल हल्की आंच पे पकाई है, तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये पक जाएंगी, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी ये, क्योंकि ये बिल्कुल जल्दी गल जाती हैं। इसमें चेस्ट का जो गोश्त होता है वो यूज़ होता है, तो उसको इतनी देर नहीं लगती। चलें जी, अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे कि ये कैसी लग रही हैं। जी नाज़रीन, ये हमारी बहुत मज़ेदार थी रमज़ान स्पेशल चिकन फ्राई स्टिक बोटी बनके तैयार हो चुकी है, तो ये बहुत यम्मी लग रही है। तो आप इसको रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इसके साथ ही उज़्मा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।